सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही लाख कोशिश कर रहे हों यूपी से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी जो रिश्वत बिना लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, रामपुर में स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ा वीडियो जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। ये वीडियो जो है किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, जिसने उस जो ड्राइवर बताया जा रहा है, मांगलिक ACMO का ड्राइवर बताया जा रहा है, दशरथ है, ये लोग जो है हॉस्पिटल को सीज करते हैं, उसके बाद जो है सिलसिला होता है फिर बड़ी रकम का, और इस रकम को लेने के बाद जो है फिर दोबारा से उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। आज सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दर्शाया गया है कि डॉक्टर दशरथ जो ACMO है उनको जिम्मेदारी दी गई है ज़िले के अंदर सारे हॉस्पिटलों पर अवैध तरीके से जो बंद कर रहे हैं, अवैध तरीके से जिनका संचालन हो रहा है उनको बंद करने की, सीज करने की, कार्रवाई करने की, FIR दर्ज कराने की। मगर होता कुछ उल्टा ही है, बाद में बड़ी रकम लेकर उसको खोल दिया जाता है। इसी से परेशान निराश कुछ व्यक्तियों ने दशरथ के खिलाफ जो है एप्लीकेशन भी जो है DM को दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से शिकायत की है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर दशरथ का जो ड्राइवर है मांगलिक, वो हॉस्पिटल संचालक से 10,000 रुपये की रिश्वत ले रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरीके से वो रिश्वत लेता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ से बात लेन देन की बात करता हुआ भी जो है वो वीडियो में दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, मगर सवाल ये है कि इस पर अभी तक कुछ क्यों नहीं लगा, क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कानूनी कार्रवाई होती तो ऐसी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तो आज वो जेल में होते हैं। हालांकि अभी तक ये वीडियो शासन स्तर पर जो है नहीं पहुंचा है, मगर मीडिया में चलने के बाद इसकी पुष्टि तभी हुई क्योंकि हमने जब इसमें पड़ताल की तो वाकई वो डॉक्टर जो है दशरथ का जो ड्राइवर है मांगलिक निकला। इसके अलावा उसके खिलाफ अन्य शिकायत भी जो है हुई है। फिलहाल वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और डॉक्टर के खिलाफ भी जो है लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू महासंघ के नेता हैं संजय गुप्ता, और उनको जिम्मेदारी दी गई है इस बात की कि ऐसे लोगों पर नजर रखें जो भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हैं। उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है और QTV भारत के कैमरे पर उन्होंने बोला है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द होगी। फिलहाल रामपुर जिले में स्वास्थ्य महकमे और ACMO जो डॉक्टर दशरथ बताया जा रहा है कि पहले भी ऑडियो वायरल हुई है जिसमें जिक्र किया गया है कि पैसों का लेन देन जो है साफ तौर पर उसमें जिक्र किया गया है पैसों को लेन देन का, और पहले भी जो है कई अस्पतालों को सीज करने के नाम पर रिश्वत की बात सामने आई है। फिलहाल वीडियो की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा पुलिस भी जो है जांच कर रही है और स्वास्थ्य महकमे की इसकी शिकायत हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तुम्हारी बेटी का ना वो कौन? अरे अभी साफ मना कर रहे थे।